नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नगर निगम ने टाउन हॉल में लगाया संपत्ति कर, किराया जलकर शिविर आशा से ज्यादा मिली सफलता। नगर निगम चाहता है हमारे शहर की जनता को कोई भी परेशानी ना हो, जिसके चलते समय समय पर इस तरह के कैंप का आयोजन करते हैं। रीवा नगर निगम ने टाउन हॉल में लगाया संपत्ति कर जलकर दुकान किराया शिविर, बढ़ चढ़कर लोगों ने लिया भाग। नगर निगम को लाखों की हुई इनकम। रीवा के नगर निगम परिसर में एक बार फिर से आम आदमी व्यापारियों के हित में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से लोगों के संपत्ति कर जमा करवाए गए। यही नहीं, जलकर और नगर निगम ने अपनी दुकान के किराए भी जमा करवाए। नगर निगम के लिए अतिरिक्त आय का भी इंतजाम किया है। नगर निगम संपत्ति कर अधिकारी सिद्दीकी जी से हमने जब बात की, तब उनका साफ तौर से कहना था, हम अपने शहर की आवाम की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का काम समय समय पर आयोजित करते रहते हैं। अभी हमने पिछले दिनों एक कैंप लगाया था, उसमें हमें उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिली थी, जिसके चलते हमने इस कैंप का आयोजन किया है। सत्र बीतने को है, हमारा सत्र मार्च में बीतेगा, बीता साल जाने को है। इसके लिए हम ये चाहते हैं रीवा शहर का आम आदमी कतई ना परेशान हो। जैसे जैसे फरवरी मार्च का समय आएगा, लोग पैसा जमा करने के लिए कतारों में लगेंगे। हम नहीं चाहते हमारे शहर का आदमी कतार में खड़ा होकर पैसा जमा करे। इसके लिए आज हमने एक कैंप का आयोजन किया है। पिछले कैंप में हमें बेहतर रिस्पांस मिला था। शहर के लोगों ने काफ़ी तादाद में पहुंचकर अपने किराए संपत्ति कर जल कर जमा कराए थे। उसके बाद हमें ऐसा लगा हमें इस तरीके के और भी कैंप करने चाहिए, जिसके चलते आज हमने इस कैंप को किया है। और अभी तक कैंप में आए हुए लोगों को देखकर हम कह सकते हैं हमारा कैंप एक बार फिर से सफल है। ये आज का जो शिविर हमारा आयोजित है, आयुक्त महोदय के निर्देश पर आयोजित किया गया है। इसमें संपत्ति कर, जलकर और किराए के जो बकाए के प्रकरण हैं, उनका निराकरण किया जा रहा है। और अभी विगत में हमने 4 दिसंबर को किया था, तो हमारे शहर के वासियों का काफ़ी अच्छा सहयोग मिला। उसी को देखते हुए आयुक्त महोदय ने आज का शिविर लगाने के लिए कहा है। अब आज काफ़ी लोग आ रहे हैं और किराए के प्रकरण भी अच्छे, काफ़ी समय से जमा नहीं की वो भी आज जमा कर रहे हैं। संपत्ति कर का भी लोग बकाया जमा कर रहे हैं, जलकर का भी, और लोगों का आना भी लगा कंटिन्यू चल ही रहा है। जी, कुछ पूछे है, लगभग 25 लोगों का तो किराए के प्रकरणों का निराकरण हो गया। किन्हीं का 2 लाख था तो 1 लाख जमा करके बाकी के लिए समय दिया गया, किसी का 50 था तो उनका समय, संपत्ति करके कम से कम नहीं तो 100 प्रकरणों का निराकरण हो चुका है, और जलकर के भी करीब 20-25 प्रकरणों का निराकरण अब तक अभी हो चुका है। जी, ताज़ातरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।